मॉर्निंग, आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ ये वीडियो जो कि है कुछ रूल्स के ऊपर पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए। मेरे प्रीवियस वीडियो रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउन पे, वो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि उसमें मैंने काफी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन होते क्या है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव से किस तरह से अलग समझा जाए। जैसे दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ माई जो है वो समझने में दिक्कत होता है कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, और माइंड जो है वो भी समझने में दिक्कत होता है। तो माई जैसे कि प्रोनाउन है और माइंड जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये सब माइनर मिस्टेक है, माइन्यूट मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट हमेशा कर देते हैं और बाद में मार्क्स कट होते हैं। तो आज ये वीडियो जो है वो उसी रूल के लिए है कि कहाँ पर हम किस चीज को यूज करेंगे और कुछ सर्टेन वर्ड जो अपने साथ कौन से सब्जेक्ट को और कौन से प्रोनाउन को प्रीफर करते हैं लेने के लिए, उसके बारे में ये चर्चा होगी। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। बेल आइकन पर क्लिक करना इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी वीडियो स्लॉट छूट जाता है तो पता नहीं चलता, कि सीरीज वाइज चलना बहुत जरूरी है, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के कुछ रूल के लिए। आइए देखते हैं कुछ वर्ड हैं, जैसे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, besides, except, etc. ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, ध्यान देंगे, as well as, together with, all along with, besides, except, etc. ये सब ऐसे वर्ड हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे और कैसे प्रोनाउन को प्रिफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं राम as well as श्याम, मतलब राम और श्याम दोनों, यहाँ पे क्या आया, राम और उसके साथ साथ, मतलब राम के साथ श्याम भी है। एज वेल एज श्याम गोस टू पार्क, ठीक है। अगर हम लोग बोले तो राम एज वेल एज श्याम, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो राम है, मतलब एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ये वर्ब लेगा, ठीक है, उसके अनुसार ये वर्ब लेगा। ऐसा नहीं है कि राम एज वेल एज श्याम है तो यहाँ पे गो हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा जो राम है मतलब एज वेल एज के पहले का जो सब्जेक्ट है वही एज अ मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लीड करेगा। गोज टू, अगर यहाँ पे हम किसी प्रोनाउन को लिखना चाहें, पॉजिटिव प्रोनाउन को लिखना चाहें, यहाँ पे वर्ब की मैंने बात की कि सिंगुलर प्लूरल किस तरह से काम करेंगे। अगर आपको ये चीज देख के क्लियर हो गया कि राम के साथ इसके अनुसार गोज लग रहा है, मतलब सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आ रहा है तो जो आने वाला पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। राम एज वेल एज श्याम गोज टू हिज पार्क, ठीक है। ये हीज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, हीज क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे डियर लिख के क्वेश्चन दे दे तो वो गलत है, वो करेक्ट करने को दे सकता है, ऑप्शन में आपके नो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। तो ध्यान देंगे राम के अनुसार गोज गया क्योंकि एज वेल एज के पहले वाला जो पार्ट है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में लीड करेगा। अगर वर्ब हमारा सिंगुलर गया है तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार आने वाला पॉजेसिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन वो भी हीज होगा। हीज क्या है, सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने बताया था आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ही सी इट सिंगुलर है, नेम सिंगुलर है, और जो दे है वो प्लूरल है। तो ही के लिए हीज यूज होता है, सी के लिए हर यूज होता है, ही के लिए हीज यूज होता है, सी के लिए हर यूज होता है। तो यहाँ पे हीज राम के अनुसार गया है। अगर यहाँ सीता एज वेल एज गीता रहता तो सीता के अनुसार यहाँ पर हर जाता। मेरे कहने का जो मेन मकसद है ये वही है कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन सब के पहले वाले सब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आज हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें रूल क्या था, सेकेंड रूल। अगर किसी सेंटेंस में नाइदर, आइदर,
ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं या फिर ईच एवरी यूज किए जाते हैं, तो इसके साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन कंसीडर होगा, मतलब आइदर नाइदर ईच एवरी, इसके साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन कंसीडर होगा वो भी पॉजिटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा और सिंगुलर में भी हीज होगा, सिंगुलर होगा और सिंगुलर में हीज होगा, नाइदर आइदर ईच एवरी। मैंने बताया था कि नाइदर दोनों में से कोई नहीं, आइदर दो में से कोई एक, ईच प्रत्येक, एवरी हर एक, ठीक है। तो अगर हम लोग यूज करें नाइदर और आइदर पे, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मैं उसके लिंक मैं इस पे नीचे मेंशन कर दूंगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया था आइदर नाइदर एनीवन किस तरह से यूज किए जाते हैं, आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। तो आइदर नाइदर ईच एवरी वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन हीज के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स was present, अगर हम लोग यहीं तक बात करते हैं, neither of the students was present, तो ये was क्या है, बता रहा है कि ये sentence का जो subject है वो singular है, neither का मतलब कि singular के लिए काम करेगा, तो was यहाँ पर singular है। अगर हम इसको आगे ले जाते हैं एक pronoun के लिए, neither of the students was present in his class, ठीक है। अब यहाँ his से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग possessive pronoun किस word को use किए, हीज को यूज किए, और हीज क्या है, सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन है, ही का है, ही का है, जैसा कि मैंने बताया ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हीज है, तो यहाँ पे नाइदर आइदर ईच एवरी जो पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंसीडर करता है वो हमेशा सिंगुलर के तौर पर करता है। यहाँ पे कभी भी ये इट्स नहीं लगाइएगा या कभी भी देयर तो कभी आएगा ही, ठीक है। थर्ड रूल हम लोग देखते हैं, अगर कोई दो सिंगुलर नाउन, यहां ध्यान देंगे, अगर कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, यहां भी सिंगुलर नाउन है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एडजॉइन का काम कर रहा है, ठीक है, ये एक फर्स्ट नाउन है, ये एक सेकेंड सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़ा है, तो इसके पास जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम गो टू पार्क, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बोले राम एक लड़का श्याम एक लड़का, यहां एज वेल एज से जुड़ा था तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन अगर ये एंड से जुड़ा है तो ये हमेशा जो काम करेगा वो प्लूरल के रूप में काम करेगा, दोनों के पहले आर्टिकल लिए, इस बात को ध्यान देंगे, कोई आर्टिकल लिए कुछ नहीं है, ये भी एक सिंगुलर नाउन है, राम एक सिंगुलर नाउन है, श्याम एक सिंगुलर नाउन है, और गो टू पार्क हम इसलिए लगाए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ के बना हो तो वो अपने साथ प्लूरल को कैरी करेगा। अगर यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे देयर लग जाएगा, इस तरह से सेंटेंसेस क्लियरली बनेंगे। आप सेंटेंस के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक डेमो के लिए या फिर यू कहें कि एग्जांपल के तौर पे छोटे से सेंटेंस को लिया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर हो अभी शुरुआत कर रहा हो इंग्लिश ग्रामर के लिए तो वो भी इस चीजों को कैच कर सके। सेंटेंसेस थोड़े लेंदी या बड़े भी लिए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं तो अपने साथ जो ये पॉजिटिव प्रोनाउन लेंगे वो प्लूरल लेंगे, जैसे कि वो दे को ले सकते हैं। फोर्थ रूल इसमें ये आता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एंड अ प्रिंसिपल एंड इंचार्ज, ठीक है। अगर हम लोग ये प्रिंसिपल एंड इंचार्ज लेते हैं, यहाँ पे ए जो है वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, आर्टिकल के सीरीज भी चले हैं चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं इसमें नीचे मेंशन कर दूंगी। प्रिंसिपल एक सिंगुलर नाउन है, एस एन मतलब यहाँ पे सिंगुलर नाउन, एंड जैसा कि मैंने बताया कि कंजंक्शन का काम कर रहा है, एडजॉइनिंग वर्ड के रूप में है, और इंचार्ज जो भी है वो भी एक सिंगुलर नाउन है। दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़े हुए हैं बट पहले एक आर्टिकल आया, जरूरी नहीं है ए आए, ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, अगर हम किसी प्रिंसिपल को खास बताते हैं तो वहां द आ जाएगा, अगर हम किसी यहाँ वॉवल को रखते हैं, वॉवल साउंडिंग को रखते हैं तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ए एंड द कोई भी आए प्रिंसिपल एंड इंचार्ज के तौर पे आए तो ये जो आने वाला सेंटेंस होगा वो हम लोगों का सिंगुलर के तौर पे होगा, और अगर आने वाला जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे ही के लिए प्रीफर करेंगे हीज और सी की बात हो रही है तो हर, इस तरह से यूज होगा। अगर यहाँ पे ए प्रिंसिपल
सिंगुलर ध्यान देंगे क्योंकि आर्टिकल एक के पहले लगा है, बट अगर ए प्रिंसिपल एंड ए इंचार्ज एंड एन इंचार्ज की बात करेंगे अगर हम लोग, मतलब कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन, यहाँ सिंगुलर नाउन, दोनों सिंगुलर नाउन है बट इसके पहले आर्टिकल और इसके पहले भी आर्टिकल लगा है, दोनों के पहले आर्टिकल लग गया, कोई दो सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर नाउन उसके पहले एक आर्टिकल और यहाँ पे एंड लगा है और उसके बाद एक आर्टिकल और देन सिंगुलर नाउन आएगा, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, आने वाला जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। अगर हम लोग देयर के बारे में बात करें तो देयर हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आने वाला जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल काम करेगा जब सिंगुलर नाउन दोनों के पहले आर्टिकल होगा और किसी एक के पहले आर्टिकल है तो जैसा कि मैंने बताया वो सिंगुलर काम करेगा। यही थे कुछ बेसिक रूल जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए काफी इफेक्टिव है और हर एग्जाम में इससे एक दो सवाल तो रहते ही हैं, इससे रहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रहते हैं। तो मेरे पूरे सीरीज जो चल रहे हैं प्रोनाउन के, आप उसे जरूर चेकआउट करिए, मैं लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगी। आई होप आज का वीडियो समझ आया हो, अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।